बृहस्पति जिन्हें हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। खगोलीय दृष्टि से भी बात करें तो गुरु पृथ्वी से 318 गुना बड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गुरु कितने विशाल हैं। और यही माइथोलॉजी की दृष्टि से देखें तो ब्रह्म जी के पुत्र हुए महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी थी श्रद्धा, इनसे 8 पुत्र हुए। उन 8 में से एक पुत्र थे गुरु, जिन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की और उनसे ज्ञान अर्जित किया। अब यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो जो गुरु अर्थात बृहस्पति हैं वो धनु और मीन राशि के देवता हैं, साथ ही वो उच्च में 4 अंक अर्थात कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि अर्थात 10 अंक में नीच के होते हैं। यदि हम कास्ट की बात करें तो गुरु ब्राह्मण कास्ट में आते हैं। दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति की 7वीं के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। वैसे तो प्रायः गुरु जिस भी घर में अपनी दृष्टि डालते हैं वहाँ पे उन्नति ही करते हैं। वहाँ पे कितने भी खराब ग्रह बैठे हो, क्रूर ग्रह बैठे हो, पर वो जिस भी घर पे दृष्टि डालेंगे वहाँ की उन्नति ही करेंगे। इसके साथ ही गुरु की जो दिशा होती है वो होती है ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर कोण। ज्योतिष में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु भाग्य के देवता है, अर्थात यदि कुंडली में की बात करें तो भाग्योदय कहीं ना कहीं गुरु के द्वारा ही होता है। गुरु ज्ञान को दर्शाते हैं, विवेक को दर्शाते हैं, आध्यात्म को दर्शाते हैं। गुरु के कारण ही आदमी की ईश्वरीय शक्ति भगवान के प्रति लग्न बढ़ता है। साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी की बात करें या ज्ञान से संबंधित उच्च पद से संबंधित जितनी भी बात करते हैं वो गुरु से ही देखी जाती है। सूर्य चंद्र और मंगल गुरु के परम मित्र हैं, वहीं पे बुध और शुक्र गुरु के शत्रु हैं। और शनि की यदि बात करें तो गुरु से उनका संबंध सम है, ना उनसे मित्रता है ना उनसे शत्रुता है। वहीं यदि कुंडली की बात करें या लग्न चार्ट की बात करें तो दूसरे 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गुरु हमेशा कारक होते हैं अर्थात उच्च फल देते हैं। यदि आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रह है तो वो है बृहस्पति अर्थात गुरु, जो कुंडली में राजयोग हो गया, राजनेता योग हो गया, हर प्रकार के बड़े योग गुरु से ही आते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता है, ज्ञान के सिंबल है, आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, गॉडनेस बढ़ाते हैं, सामर्थ्य बढ़ाते हैं। इसलिए कुंडली में बृहस्पति का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।